नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 16 से 26 अगस्त तक निकाली जा रही स्नेह यात्रा, जो 20 अगस्त से भांडेर जनपद के सरसई ग्राम से प्रारंभ होकर लगभग 40 से अधिक ग्रामों में सभाएं करते हुए चौथे दिवस भांडेर जनपद के ग्राम जो गोदन पहुंची, जहां गोदन सरकार के प्रांगण में स्नेह यात्रा के सहयोगियों, संगठनों, गायत्री परिवार, पतंजलि पीठ, एकात्म अभियान, मध्य प्रदेश शासन एवं सामाजिक संस्थाओं, नवांकुर संस्थाओं एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए यात्रा के मुख्य संरक्षक एवं वक्ता परम पूज्य संत मध्य प्रदेश शासन के राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त परमहंस स्वामी जी भूमानंद सरस्वती ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक मुनेन्द्र शेजवार ने अपने स्वागत उद्बोधन में स्नेह यात्रा का उद्देश्य, उसकी परिकल्पना पर प्रकाश डाला तो ब्लॉक समन्वयक शैलेंद्र लिटोरिया ने अपने गरिमामय वाणी से सभी का भाव भरा आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नवांकुर संस्थान उदय भारत सेवा समिति के संचालक सुनील समाधिया ने किया। यात्रा में सीपी कौरव खिरिया, आलम अनिल अस्टोट, सुबोध शर्मा, वेताव सिंह यादव, योग शिक्षक रजनीश ओझा, मेंटर्स के अग्रवाल, अवधेश सुरेंद्र शर्मा, स्थानीय सरपंच, सचिव, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भारी संख्या में ग्रामीण जनों की भागीदारी रही। संवाददाता भांडेर से प्रमोद रजक की रिपोर्ट। दोनों जब अंधे हैं, बच्चे का पालन, इसीलिए सारे दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, ये सारे दुर्गुणों की फौज पैदा हुई, क्योंकि उन्हें बच्चों का जो स्नेह दुलार जो मिलना चाहिए था।